हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपका मोहित सर वापस से आपके साथ आया हूं, और आज मैं खाली हाथ नहीं आया हूं सर। आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आया हूं, एक तोहफा लेके आया हूं, और ये तोहफा है आपके बोर्ड्स के 8 मार्क। मैं आपको क्लियर कट 8 मार्क देने आया हूँ आज। यस, टूडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट अ चैप्टर जिसमें आपको पूरे के पूरे 8 मार्क्स मिलेंगे। और आज मेरा जो चैप्टर है उसका नाम है डिबेंचर्स। क्या नाम रहेगा आज के चैप्टर का? डिबेंचर्स। सो आज हमारा काम रहेगा डिबेंचर का खात्मा। वी नीड टू फिनिश डिबेंचर्स बाय टुडे। और आपको इस वीडियो खत्म होने से पहले पहले मैं 8 मार्क्स का प्योर गिफ्ट देके जाऊंगा। आज आपका 8 मार्क का गिफ्ट मेरी तरफ से कंफर्म्ड है। सो एंड तक बैठे रहना, यहीं पे मेरे साथ, हिलना मत। गिफ्ट चाहिए ना, हिलना मत, कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज आपका गिफ्ट मेरी तरफ से कंफर्म्ड है। स्टार्ट करते हैं डिबेंचर्स चैप्टर आज हम। आज मैं आपको जो टॉपिक सिखाने जा रहा हूं उस टॉपिक का नाम रहेगा डिबेंचर्स या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, राइट? सो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में बेसिकली हम 3 तरीके से डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते हैं। आइदर हम डिबेंचर को इश्यू करेंगे कैश में, या हम डिबेंचर को इश्यू करेंगे अदर देन कैश में, मतलब सामने हम कोई तरीके का एसेट ले लेंगे, या हम डिबेंचर को देते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। डोंट वरी, मैं आपके साथ में तीनों टॉपिक बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। स्टार्ट करिए, खाली मेरे साथ यहाँ बैठे रहिए। So, अगर हम बात करें डिबेंचर को इशू करना, तो सर हम डिबेंचर को 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। पहला होता है जब हम 100 रुपए के डिबेंचर्स को अगर 100 रुपए में इशू करेंगे तो उसे कहा जाता है एट पार। हम 100 के डिबेंचर्स को 110 में इशू करेंगे तो उसे कहा जाएगा प्रीमियम, और अगर हम 100 के डिबेंचर्स को 90 में इशू करेंगे तो उसे कहा जाएगा डिस्काउंट। इन शॉर्ट, हम डिबेंचर्स को 3 तरह से इशू करेंगे, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मैं आपके लिए एंट्रीज पास ऑन करूंगा। जब हम डिबेंचर्स को पार में इशू करेंगे तो मेरी पहली एंट्री रहने वाली है बैंक से पैसा आया टू डिबेंचर एप्लीकेशन, जितना परसेंट हो वो आगे लगा देना, 100 100। और सेकेंड एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, 100 and 100। इसके साथ साथ भैया मेरा पार वाला टॉपिक फिनिश, 100 की चीज 100 में इशू कर दी, कोई भी टेंशन नहीं है। बट अगर बाई चांस मैंने यही चीज को 110 में इशू किया होता तो मेरी पहली एंट्री रहेगी बैंक से पैसा आएगा 110 टू डिबेंचर एप्लीकेशन, 110, राइट? अब क्या होगा? अब डिबेंचर एप्लीकेशन तो सर पूरे से बंद होता है, हमने सीखा है, 110 पूरे जाएंगे, जबकि डिबेंचर सिर्फ जाने वाला है 100 का, क्योंकि बाकी जो एक्सेस है वो है सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड दैट इज ₹10। ये एंट्री कब होगी? जब हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करने वाले हैं तब। और लास्ट है जब हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। सर अगर हम डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करेंगे, हमारी पहली एंट्री रहने वाली है बैंक से पैसा आया ₹90 टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अगेन 90। हमने 100 रुपए के डिबेंचर्स को 90 में इशू किया है। सो जैसे कि मैंने कहा, डिबेंचर एप्लीकेशन पूरे से बंद होगा 90 से, जबकि डिबेंचर्स में जाने वाला है 100 का 100। तो जो 10 रुपया कम है वो क्या चीज का है सर? दैट इज डिस्काउंट। यस, तो यहाँ आ जाएगा ₹10 का डिबेंचर डिस्काउंट। सो इन शॉर्ट, वी कैन इशू डिबेंचर्स इन 3 basic ways। फर्स्ट इज एट पार, 100 का 100, सेकेंड एट प्रीमियम, 100 का 110, एंड थर्ड इज एट डिस्काउंट, 100 का 90। याद रहेगा, सिंपल है, प्रीमियम होगा तो क्रेडिट होगा और डिस्काउंट होगा तो डेबिट होगा, राइट इनफ। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, कम ऑन फटाफट, वी नीड टू फिनिश दिस चैप्टर। अदर देन कैश, पहला टॉपिक था जब हम कैश में इशू करें, दूसरा टॉपिक है जब हम अदर देन कैश, मतलब हम डिबेंचर्स के सामने या तो कोई एसेट खरीद रहे हैं या कुछ और, वी आर बाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एसेट्स, राइट? सो एंट्री क्या होगी देखेंगे। अब अगर डिबेंचर हमने एसेट खरीदा सामने, बट हम डिबेंचर्स अलग अलग तरीके से इशू कर सकते हैं। हमने डिबेंचर दिया पार पे, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में दे दिया। हमने दिया प्रीमियम पे, मतलब हमने कहा भैया हमारा डिबेंचर 110 के नीचे नहीं मिलेगा आपको, या हमने दिया डिस्काउंट में। तो क्या डिफरेंस आएगा एंट्रीज में देखते हैं। मैंने बाय किया सपोज एसेट 9,90,000 रुपीज में। सो स्टार्ट करूंगा, मेरी पहली एंट्री होगी, मेरे पास एसेट आया कितने का? 9,90,000 का, और सामने मेरे पास वेंडर खड़ा हो गया 9,90,000 से। अब इस वेंडर को मुझे डिबेंचर्स देने हैं, तो मेरी एंट्री होगी वेंडर को मैं बंद कर दूंगा, क्यों वेंडर साहब? मैं आपको डिबेंचर दे रहा हूं इसलिए। और सामने आ जाएंगे डिबेंचर्स, जितने परसेंट उतना लिख देना, 9,90,000 के हमने डिबेंचर्स दे दिए, मतलब हमने 9,900 डिबेंचर्स दिए हैं 100 रुपए का एक। इसके साथ मेरा पहला काम खत्म, माय फर्स्ट टॉपिक इज एंड। मैंने डिबेंचर को पार पे इशू कर दिया, मैटर फिनिश। बट सेकंड इज इंपॉर्टेंट, मैं डिबेंचर्स को अब की बार प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं तो क्या होगा, ध्यान देना। अगर मैं डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करूंगा, मतलब मेरा काम कुछ इस तरीके से रहेगा।
हमने पहली एंट्री तो सर हमें सेम करनी है, कोई चेंज नहीं, फर्स्ट एंट्री इज सेम। हमने एसेट खरीदा 9,90,000 का, टू वेंडर 9,90,000, नो चेंज इन दैट पर्टिकुलर एंट्री। बट उसके बाद वाले एंट्री में मजा आएगी, हम वेंडर को देने वाले हैं 9,90,000, राइट? हम वेंडर को देने वाले हैं 9,90,000, बट सर मैं कितने डिबेंचर्स दूंगा वेंडर को, कितने डिबेंचर्स देना है मुझे, सो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9,90,000 डिवाइडेड बाई एक डिबेंचर है 110 का, 0,0 कट, 11 की टेबल में 9 टाइम्स, मतलब मैं 9,000 डिबेंचर्स देने वाला हूँ 100 रुपीज के। इन शॉर्ट मैं 9 लाख डिबेंचर्स दे रहा हूँ, और बाकी हो जाएगा प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा यहाँ पे, 9,000 डिबेंचर्स into 10, मतलब मैं 90,000 देने वाला हूँ प्रीमियम के तौर पे। इजी रहेगा, सेकेंड वाला भी बहुत सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा रहेगा थर्ड वन। अगर मैं डिबेंचर्स डिस्काउंट में दे रहा हूं, मतलब 100 रुपए के डिबेंचर्स को मैं 90 रुपीज में इशू कर रहा हूं, इस केस में क्या होगा समझेंगे। वापस से सर पहली एंट्री तो सेम रहेगी क्योंकि हम एसेट तो परचेस कर रहे हैं, सामने वेंडर हमारे लिए 9,90,000 से खड़ा है। बट जब हम वेंडर को पैसा देंगे, हम एंट्री करेंगे, वेंडर साहब मैं आपको 9,90,000 दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ सर? मैं आपको मेरे डिबेंचर्स दे रहा हूँ, कितने दूंगा उसके लिए वर्किंग करते हैं। 9,90,000 मुझे देने हैं, एक डिबेंचर 90 रुपए का है, 0,0 कट, 11 टाइम, इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू गिव 11,000 डिबेंचर्स। सो मैं दूंगा 11,000 डिबेंचर्स, एक डिबेंचर 100 रुपए का, मतलब मैं 11 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे रहा हूँ। कितने एसेट के सामने? 9,90,000 के एसेट के सामने, मतलब 1,10,000 जो कम है वो हो जाता है डिबेंचर डिस्काउंट, दैट इज 11,000 डिबेंचर्स into 10 रुपीज। हमने 10 रुपए डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किया है। सो ये हो गया अदर देन कैश। मैंने पूरा टॉपिक करा दिया, आपको पता भी नहीं चला, सिर्फ वर्किंग करना आना चाहिए। जब प्रीमियम होगा तो डिवाइडेड बाई प्रीमियम के अमाउंट से करेंगे 110, जब डिस्काउंट होगा तो नेट अमाउंट से करेंगे 90, दैट्स इट। उसके सिवाय कुछ नहीं करना है, डिस्काउंट डेबिट प्रीमियम क्या, इट्स सिंपल लॉजिक, एकदम सिंपल लॉजिक, याद रहेगा सबको, श्योर है बच्चा लोग? तो इसके साथ मेरा अदर देन कैश का टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। चलिए पहले समझते हैं व्हाट इज दिस कोलेटरल सिक्योरिटी। हम कभी कभार बैंक से लोन लेते हैं, बैंक हमसे सामने मांगता है मॉर्गेज, मॉर्गेज पे देने के लिए हमारे पास कोई एसेट नहीं होते, या हो सकता है एसेट ऑलरेडी डिबेंचर्स के सामने सिक्योर्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स दे देता हूँ। बैंक को कहता हूँ कि अगर मैं तेरा लोन नहीं भर पाऊं तो यू आर फ्री कि आप इस डिबेंचर्स पर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। उसे कहा जाता है कोलेटरल सिक्योरिटी। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पता नहीं क्यों लोगों को टफ लगता है, बहुत ईजी है। कोलेटरल सिक्योरिटी के दो मेथड्स होते हैं, और मजे की बात है कि फर्स्ट मेथड को कहा जाता है फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड को कहा जाता है सेकेंड मेथड, इसका कोई नाम नहीं है, राइट? चलिए अब दोनों में करना क्या होगा सर? फर्स्ट मेथड में तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, हाँ सच में कुछ भी नहीं करना है। आप समझ लो, आपने बैंक से लोन लिया, आपने सामने डिबेंचर्स दिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन अपनी बैलेंस शीट में ब्रैकेट्स में लिख के छोड़ देनी है। ऐसे आप देखो, ये आपकी बैलेंस शीट रही, आपने बैंक से लॉन्ग टर्म बोरोइंग किया, ठीक है, कितने का किया, सपोज करते हैं आपने 5 लाख का लोन लिया, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के हेडिंग में लिखो, डजंट मैटर मच, राइट? चलिए 5 लाख का आपने लिया, आपको कुछ नहीं करना है, लिखोगे टर्म लोन फ्रॉम बैंक, कितने का लोन है भैया, 5 लाख का लोन है, और ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन लिख दो, सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 6,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, खत्म। और कोई इफेक्ट नहीं देना है, खाली ब्रैकेट में लिखना है कि भैया 5 लाख के लोन के लिए हमने 6,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, मतलब टोटल 6 लाख के डिबेंचर्स हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दिए है, दैट्स इट। इसमें कोई भी अकाउंटिंग इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है, ओनली हैव टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू योर शेयर होल्डर्स, दैट्स इट, राइट? दिस इज फर्स्ट मेथड, अ वेरी वेरी सिंपल मेथड। सेकेंड मेथड कहता है कि भैया इतना सिंपल मत करो, थोड़ा तो करो, आप एक डमी एंट्री पास करो। आप एंट्री क्या करोगे, आपके डिबेंचर्स जा रहे हैं किसी रीजन के बिना, आपने कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है, तो आप एक एंट्री पास करोगे, दैट इज डिबेंचर गए और सामने एक डमी एसेट आ गया, दैट इज डिबेंचर सस्पेंस, इट इज जस्ट अ डमी एंट्री, राइट? आपको सिर्फ बताना है लोगों को कि आपके डिबेंचर्स बैंक के पास है, तो आप एक फर्जी सी एंट्री करोगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब इस एंट्री को आपको अपनी बैलेंस शीट में इफेक्ट देना है, कैसे दोगे वो भी मैं ही सिखाऊंगा आपको। आपको वापस से नोट्स में चेंजेस करने हैं, नोट्स में आप लिखोगे टर्म लोन फ्रॉम बैंक जो आपने पिछली बार भी लिखा था 5 लाख, ये दोनों में सेम है, ये वाली इफेक्ट दोनों तरफ सेम है, कोई चेंज नहीं है, चेंज आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट मेथड में आपने ब्रैकेट में लिखा था,
सेकेंड मेथड में आप उस डमी एंट्री का इफेक्ट देंगे, आप लिखेंगे 6,009% डिबेंचर्स 6 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख नेट जीरो। इन शॉर्ट आपको नेट तो जीरो ही दिखाना है, बस ये एंट्री से आप ये बता रहे हो अपने स्टेक होल्डर्स को कि आपके 6 लाख के डिबेंचर्स बैंक के पास पड़े हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। नेट अमाउंट कुछ नहीं है, 6 लाख के डिबेंचर्स गए, सामने 6 लाख का डमी एसेट इज जीरो, बट फिर भी आपको एक डमी एंट्री के तौर पर शो करना है और लोगों को बताना है कि आपके डिबेंचर्स बैंक के पास पड़े हैं। सो दोनों मेथड में कोई फर्क नहीं है, एक में ब्रैकेट में लिख के आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो और एक में एक डमी एंट्री को इफेक्ट देकर आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। दोनों का नेट इफेक्ट हमारी बैलेंस शीट पे कुछ भी आने वाला नहीं है। इसे कहा जाता है डिबेंचर गिवन एज कोलेटरल सिक्योरिटी, अ वेरी 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 सिंपल टर्म। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक और बचेगा और उसके बाद में आपके 8 मार्क कन्फर्म है, लिख के ले लो मेरे से, आपके 8 मार्क कन्फर्म है। चलिए आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है, दैट इज वेरियस केसेस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। मतलब कभी कभार आप रिडेम्पशन तीन तरह से कर सकते हो, बेसिकली दो ही होते, तीसरा तरीका नहीं होगा। या तो आपने आज जो डिबेंचर इशू किए हैं, आप 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी टर्म आएगा उसका, आप उस डिबेंचर को वापस से पार पे रिडीम करोगे या आप उसको वापस से प्रीमियम पर रिडीम करोगे। सर अगर आप रिडीम करने वाले हो एट पार तो आपको इशू में कोई भी एंट्री में चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जो हमने इशू की एंट्री की थी वो सेम की सेम रखनी है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो नो चेंज इन द एंट्री ऑफ डिबेंचर्स इशू। बट अगर आप रिडीम करने वाले हो प्रीमियम पे, और सपोज मानो आप रिडेम्पशन पे प्रीमियम देने वाले हो 10%, तो आपको एंट्री में चेंजेस करने पड़ेंगे इशू के दौरान। रिडेम्पशन के दौरान की बात नहीं कर रहा हूं, हम इशू के दौरान एंट्रीज में चेंजेस करेंगे। क्या करेंगे मैं बताता हूं, तीन सिचुएशन है। आज आपने पार पे इशू किया, आप रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, या आपने इशू किया है प्रीमियम पे, आप रिडीम भी करेंगे प्रीमियम पे, या आपने इशू किया है डिस्काउंट पे और आप रिडीम करेंगे प्रीमियम पे। तीनों केस में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए बात करते हैं सबसे फर्स्ट केस की। आज आपने इशू किया है पार पे और आप रिडीम करेंगे 10% प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या होगी, इशू वाली एंट्री होगी। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन आपको 8 लाख मिला, बराबर है। अब 8 लाख के डिबेंचर्स आज आपने लिए हैं, बट आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी मैच्योरिटी आएगी तब आपको उनपे 10% प्रीमियम देना है, मतलब आपको 80,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। सो अब हमारा एक छोटा सा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये प्रिंसिपल कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आज से रिजर्व बना लो। तो हमें पता है कि 5 साल बाद हमें 80,000 एक्स्ट्रा देना है, तो उस 80,000 को हम आज से हमारे बुक में शो करेंगे विद द एंट्री लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हमें 80,000 का लॉस होगा रिडेम्पशन पे और उसके लिए हमने आज से ही रिजर्व बना लिया है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 80,000 का। बाकी एंट्री सेम रहेगी, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 8 लाख तो देने ही है, जो 80,000 हमें एक्स्ट्रा देना है प्रीमियम देना है रिडेम्पशन पे, उसको हमने आज से बुक में एक्सपेंस दिखा दिया और उसके लिए हमने रिजर्व बना लिया 80,000 का। बस आपको ये नया सा काम करना रहेगा, जब भी आप प्रीमियम करेंगे रिडीम पे तो आपको इशू के दौरान ही ये खर्चा दिखाना पड़ेगा, इसके लिए रिजर्व बनाना पड़ेगा। ये हो गया जब आप इशू कर रहे हैं एट पार। सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं, आप इशू कर रहे हैं डिस्काउंट में, मतलब आप इशू कर रहे हैं 90 रुपए में और सर आप रिडीम करेंगे 110 में, तो इस केस में क्या होगा, बड़ा ही मजेदार केस है, राइट। चलिए 8 लाख के डिबेंचर्स हैं, हम 10% डिस्काउंट में दे रहे हैं, मतलब हमको बैंक से मिलने वाले हैं 7,20,000, 7,20,000, बट सर हम रिडीम करेंगे वही 8,80,000 में, तो क्या करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले बेसिक एंट्री, डिबेंचर बंद होगा, एप्लीकेशन बंद होगा 7,20,000 से, हमारे डिबेंचर जा रहे हैं 8 लाख के। अब 80,000 तो हमारा डिस्काउंट है, तो चलिए सर 80,000 तो ये हो गया मेरा डिबेंचर डिस्काउंट, राइट, क्योंकि आज हम 10% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, बट सर आज से 5 साल बाद हम 10% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो उस 10% एक्स्ट्रा पैसे के लिए भी आज का आज रिजर्व बनाओ, मतलब आप इस लॉस में एक लॉस और ऐड करोगे जो 5 साल बाद आपको होने वाला है, दैट इज 10% प्रीमियम का। तो आपने इस प्रीमियम के मनी को आज से लॉस मान लिया है, क्यों भैया क्यों, एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और आपका टोटल लॉस हो गया है 1,60,000 का। 1,60,000 कैसे, वापस से याद रखना, 80,000 तो आपने डिस्काउंट दिया और बाकी 80,000 आप रिडीम करने वाले हैं प्रीमियम पे, और उस प्रीमियम के लिए हमने आज से रिजर्व बना दिया प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। याद रहेगा सबको, सबको याद रहना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात है। ये कब होगा, जब हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, जब हम इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। चलिए लास्ट टॉपिक, अब हम इशू भी कर रहे हैं प्रीमियम पे और रिडीम भी करेंगे हम प्रीमियम पे,
बहुत ही सिंपल काम हो जाएगा। सपोज हमारा प्रीमियम भी 10% है, मतलब बैंक से हमें मिलने वाला है 10% एक्स्ट्रा, 8,80,000। तो अब क्या होगा सर, 8,80,000 में से 8 लाख गया प्रीमियम, सॉरी कैपिटल में, और 8 लाख गया प्रीमियम पे। ये तो सिंपल हो गया, ये तो सिंपल हो गया। अब सपोज करते हैं हमें रिडेम्पशन पे प्रीमियम देना है, कितना देना है 70,000। तो उस प्रीमियम के लिए आप आज से रिजर्व बना दो, 70,000 लॉस लिखा और 70,000 का हमने बना दिया रिजर्व। सिंपल एज दैट, सिंपल एज दैट। कुछ भी नया नहीं करना है, खाली 70,000 का आपको लॉस बुक्स में दिखाना पड़ेगा। अगेन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म याद रहना चाहिए सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस जाके ऊपर से सेकेंड टाइम फिर से सुनना, मजा आएगी और इजी हो जाएगा, राइट इनफ। मेरे चैप्टर्स पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग रखिएगा। सबसे पहले तो एक शांत जगह पे जाके ये पूरा वीडियो एक बार देखना, आराम से पीसफुली बाजू में पेन रखना, मैंने जो एंट्रीज यहाँ पे लिखी है कॉपी करते रहना। फिर जब सम्स करने बैठो, एक एक टॉपिक पढ़ो, एक एक टॉपिक के सम्स करो, वापस सेकंड टॉपिक पढ़ो, सेकंड टॉपिक के सम्स करो, आपको ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। और मेरे समझाने के बाद में कोई भी सम ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, इतनी मैं गारंटी से आपको बता सकता हूँ। थोड़ा सा मेहनत अगर आप करो तो आप इस चैप्टर को सच में वर्चुअली 2 घंटे में घर बैठ के फिनिश कर सकते हो, एक एक सम बैठ के आप कर सकते हो, इतना सिंपल चैप्टर है। चलिए एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है, दैट इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का एक छोटा सा मिनिएचर टॉपिक है, वो भी फिनिश कर देते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, हम भैया डिबेंचर पे इंटरेस्ट देने वाले हैं, बट अगर डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे हमें टीडीएस काटना होगा तो क्या होगा। ये टीडीएस के टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ, बाकी सिंपल है, इंटरेस्ट की एंट्री हमें आती है। अगर टीडीएस ने तो कितना सिंपल होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये तो फर्जी एंट्री है, ये एंट्री तो आपने 11th में सीखी है। बस ये टीडीएस वाला बच्चों थोड़ा आपको परेशान करता है, मुझे पता है, इसलिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगर आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना है 10,000 का, बट 10% टीडीएस काटना है, तो आप करेंगे डिबेंचर होल्डर, सर मैं आपको 9,000 ही दूंगा क्योंकि आपके बिहाफ पे 1,000 का इंटरेस्ट जो है, टीडीएस जो है, वो मैं सरकार को पे कर रहा हूँ, राइट। ये टैक्स मैं सरकार को पे कर रहा हूँ, इसका आप बाद में अपने अकाउंट्स में क्लेम करते रहना। सो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000, होल्डर को देंगे 9,000 और 1,000 होल्डर के बिहाफ पे टीडीएस सरकार को भर देंगे। चलिए पेमेंट करते हैं, तो 9,000 हमें देना है होल्डर को, 1,000 देना है गवर्नमेंट को, और सामने बैंक से पैसा चला जाएगा 10,000। इन शॉर्ट डिबेंचर होल्डर को मिला पूरा 10,000 है, बट टैक्स काट के मिला है 1,000 रुपए का। उस इनकम पे टैक्स कंपनी ऑलरेडी भर चुकी है, जिसका बेनिफिट आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आगे जाके क्लेम कर सकते हो। एंड सर आपको पता भी नहीं चला, बट मैंने आपका पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया विद इन टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट्स, राइट। 15 मिनट में एक चैप्टर मैंने कराया, वो भी एकदम कोना कोना, एक टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा होगा। सर जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको कितना मजा आया, थोड़ा, बहुत ज्यादा या बहुत बहुत ज्यादा, राइट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। वापस से नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और आपके 5-10 मार्क्स हर वीडियो में कंफर्म करता जाऊंगा। चलिए बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फॉर द डे।